न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नशीला पदार्थ पिलाकर दो भाइयों ने की महिला से दरिंदगी, धमकी दी गई। नोएडा में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ गैंगरेप किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। यूपी के नोएडा में महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि दो युवकों ने पानी में नशीला पदार्थ पिलाया, फिर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, साथ ही अश्लील वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह घटना 24 अप्रैल की है। गांव में एक कमरे में उसे नशीला पदार्थ पिलाया, फिर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। परेशान होकर महिला ने इसकी जानकारी अपने परिजनों से की और थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के बाद से ही पीड़िता सदमे में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नोएडा में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ गैंगरेप किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। यूपी के नोएडा में महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि दो युवकों ने पानी में नशीला पदार्थ पिलाया, फिर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, साथ ही अश्लील वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह घटना 24 अप्रैल की है। गांव में एक कमरे में उसे नशीला पदार्थ पिलाया, फिर सामूहिक दुष्कर्म किया। परेशान होकर महिला ने इसकी जानकारी अपने परिजनों से की और थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के बाद से ही पीड़िता सदमे में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, इसके बावजूद क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के नोएडा में महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह घटना 24 अप्रैल की है। गांव में एक कमरे में उसे नशीला पदार्थ पिलाया, फिर सामूहिक दुष्कर्म किया। परेशान होकर महिला ने इसकी जानकारी अपने परिजनों से की और थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के बाद से ही पीड़िता सदमे में है। पीड़िता का कहना है कि दो युवकों ने पानी में नशीला पदार्थ पिलाया, फिर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, साथ ही अश्लील वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों आरोपी सगे भाई बताए जा रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।